चलें जी, अजानें आ रही हैं, तो अजान में आ जाए, उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। 5 मिनट तक तकरीबन हम कंटिन्यू करते हैं, तो आप वेट कर ले ज़रा, 5 मिनट आज़ाद हो जाए।
द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलास्टिक पिटर ट्यूब का तो हमने ये देख लिया था। उसके बाद है जी हमारे पास फ्लोट। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ पुटिंग अ फ्लोट इन चैनल एंड नोटिंग द टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लोट। द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ यूनिट टाइम। v इज इक्वल टू s बाय t, वेयर s इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लोट इन टाइम t। टाइप वन फ्लोट, टाइप टू फ्लोट एंड टाइप थ्री फ्लोट, डिफरेंट टाइप के फ्लोट होते हैं। The float is kept on the surface of water, specific distance and time is noted as mentioned earlier. The velocity of flow is determined, which is the velocity at the surface of water. The mean velocity is then about 0.85 surface level. तो ये किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अच्छा जी, तो इसका फार्मूला सबसे पहले आप नोट कर लें, ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है। तो इस तरीके को यूज करते हुए आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो स्टैंडर्ड टाइप के फ्लोट होते हैं, लेकिन आप कोई भी किस्म का फ्लोट, मिसाल के तौर पर किसी लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा भी उठा के आप किसी दरिया के अंदर फेंक कर वो आप नोट कर सकते हैं, या किसी नहर के अंदर फेंक के आप नोट कर सकते हैं खुद से उसकी विलासिटी। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। इसके अंदर क्या होता है, लेट्स सपोज ये जिस तरह लाहौर की कैनाल जा रही है, तो इस कैनाल की अगर वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करें, आप कैनाल के साइड के जो ऊपर रोड है उस रोड के ऊपर आप खड़े हो जाएं, तो एक पॉइंट सिलेक्ट कर लें उस रोड का। लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लें और इस पॉइंट से आप दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कर ले जो 100 मीटर के फासले पे या 50 मीटर के फासले पे या 10 मीटर के फासले पे, मतलब अपनी मर्जी का एक थोड़ा सा फासला आप नोट कर ले। लेट्स सपोज आपने 10 मीटर का फासला नोट कर लिया, ठीक हो गया। तो आपने क्या किया, इस पॉइंट पे आप खुद खड़े हो गए ए पॉइंट के ऊपर, और बी पॉइंट वैसे तो आपको विजिबल है, लेकिन ए पॉइंट से खड़े होके बी पॉइंट तक जब वो फ्लोट आपका पहुंचेगा तो आपको एक्यूरेटली अंदाजा नहीं होगा। तो आप एक पॉइंट पे आप खुद खड़े हो जाए, दूसरे पॉइंट पे आप किसी दोस्त को खड़ा कर दे। तो आप क्या करें, इस पॉइंट पे खड़े होके टाइम नोट कर ले या स्टॉप वॉच आप ले ले अपने हाथ में। तो इसी पॉइंट के ऊपर ही आप उस फ्लोट को इस नहर के अंदर छोड़ दें या फेंक दें। तो जैसे ही इसके अंदर आप फेंकेंगे उस फ्लोट को, तो आप स्टॉप वॉच वैसे ही ऑन कर दें, तो वो फ्लोट क्या करेगा, जैसे आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो लकड़ी का टुकड़ा इसकी सरफेस के ऊपर जैसे ही गिरेगा तो वो पानी के फ्लो के साथ साथ ऊपर उसकी तरफ, पानी के फ्लो के साथ साथ मूव करता जाएगा, और बी पॉइंट पे आपका दोस्त खड़ा होगा। जैसे ही वो फ्लोट बी पॉइंट को क्रॉस करने लगेगा, वैसे ही आपने स्टॉप वॉच ऑन कर लेनी है, या आप ऐसा करें कि स्टॉप वॉच जो हो इस बी पोजिशन पे जो आपका दोस्त खड़ा हुआ है उसके पास होनी चाहिए। जैसे ही आप फ्लोट को पानी के अंदर फेंके, ये बी पॉइंट पे खड़ा हुआ आदमी जो है इसको फ्लोट को स्टॉप वॉच को ऑन कर लेना चाहिए, और जैसे ही वो फ्लोट तैरते तैरते बी पॉइंट तक पहुंचे, वैसे ही बी पॉइंट पे खड़ा हुआ आदमी उस स्टॉप वॉच को रोक ले। लेट्स सपोज स्टॉप वॉच के ऊपर टाइम आया आपके पास जी 25 सेकेंड्स, ठीक। तो 25 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो अब वेलोसिटी इसकी कितनी हो सकती है, तो सिंपल फार्मूला है आपने लगाना है v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t। तो s यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है जो आपने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है 10 मीटर का, तो s की जगह पर 10 लिख लेना है आपने, और t की जगह पर आपने टाइम लिख लेना है कितना है 25। तो ये आपके पास कितना आएगी, v इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 25, आपके पास कितना आएगा जी, कैलकुलेट करके जरा बताएं मुझे जल्दी से। टेन डिवाइडेड बाई 25 कितना आता है जी, जल्दी से बताएं मुझे।
अली अहमद, अरमगान मुहिद्दीन, मोहम्मद अब्दुल्ला, तैयब इफ्तखार, जल्दी से बताएं जी। आप क्लास के अंदर मौजूद भी हैं या नहीं है? जी सर मौजूद हैं। जी बताएं, 10 को डिवाइडेड बाय 25 करें। यार छोटी सी कैलकुलेशन होती है, आप कैलकुलेटर हाथ में लेकर बैठा करें। जो कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं फौरन कैलकुलेट करके आप बता दिया करें, इतना तो रिस्पांस किया करें आप। 0.04 आता सर। कितना आता है? 0.04 नहीं आ रहा। आप मैसेज कर दें आपके पास क्लियर नहीं आ रही है। 0.4 कह रहे हैं आप, आता है 0.4 मीटर। जी सर ठीक हो गया कि तो ये जो आपने पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है लेट्स सपोज, तो इससे आपको कैनाल के अंदर जाने वाला जो पानी है, फ्लो करने वाला जो पानी है, उसकी वेलोसिटी के बारे में आपको पता चल जाएगा। माइक क्लोज कर दे, बंद कर दे जी, म्यूट कर दे। ठीक, तो ये फ्लोट वाला ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी किस्म की ऐसी चीज के साथ जो पानी पर तैर सकती हो। अच्छा जी, तो उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आई है ना 0.4, ठीक है 0.4 ही आई है ना आपके पास वैल्यू, उस 0.4 को आपका आपने 85% ले लेना है। उस 0.4 का आपने 85% ले लेना है, यानी 0.4 को 0.85 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तब आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। जरा आप कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि 0.4 को अगर 0.85 के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर कितना आता है। जल्दी से जी कैलकुलेट करके बताएं। .34 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है जो एवरेज वेलोसिटी आपके पास आएगी वो आएगी 0.34 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से फ्लोट टू है आपके पास, टाइप टू फ्लोट्स। सम वेट इज पुट इन द वाटर अटैच्ड विद अ फ्लैग केप्ट अबव द सरफेस, द स्ट्रिंग लेंथ इज सो एडजस्टेड दैट so that the weight at a depth of 0.6 of total depth, this directly gives the mean velocity. तो बाज़ औक़ात क्या करते हैं, float के साथ आप एक flag को भी attach कर देते हैं और उसका weight इतना होता है कि float खुद ब खुद ही 0.6 meter depth के ऊपर चला जाता है अपने weight की वजह से। तो आपको फिर directly average velocity मिल जाती है, आपको उसके साथ किसी कोई चीज मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी आप फ्लोट को जैसे ही वाटर में डालते हैं तो फ्लोट के साथ कोई ऐसा वेट भी होता है जो सिंक कर जाता है, तो सिंक करके फ्लोट को खुद बखुद ही 0.6 ऑफ हाइट के ऊपर ले जाता है और सरफेस के ऊपर आपको फ्लैग नजर आ रहा होता है। असल फ्लोट सरफेस के नीचे चला गया होता है और सरफेस के ऊपर आपको फ्लैग नजर आ रहा होता है, उस फ्लैग की मूवमेंट आप देखते रहते हैं। तो इस तरीके से जो आपको वेलोसिटी हासिल होती है वो मीन वेलोसिटी होती है। टाइप थ्री फ्लोट, हॉलो बॉक्स इज प्रोवाइडेड एट टॉप, कैनवस स्कर्ट्स आर कनेक्टेड विद स्टिफनिंग रिंग्स, द मेन वेलोसिटी इज फाउंड बाय द फार्मूला। तो इसके अंदर एक हॉलो बॉक्स यूज किया जाता है और हॉलो बॉक्स की मूवमेंट को देखने के लिए उसके साथ कुछ अटैच भी किया जाता है जो दूर से नजर आता हो। तो उस वक्त जो आपकी मेन वेलोसिटी आती है वो होती है Vm is equal to V0 into 1.012 minus 0.116 D/D1। अब इसके अंदर ये डिफरेंट जो टर्म्स हमने यूज किए हैं वो क्या है वो देख लें। Vm आपके पास है मीन वेलोसिटी, V0 है आपके पास ऑब्जर्व वेलोसिटी जो आपने खुद खड़े होकर देखी ऑब्जर्व की, D आपके पास टोटल डेप्थ है और D1 आपके पास है क्लियरेंस ऑफ लोअर एज ऑफ फ्लोट फ्रॉम द बेड ऑफ चैनल। तो D आपके पास टोटल डेप्थ है, D1 आपके पास क्या है, जो आपने फ्लोट पानी में डाला उस फ्लोट के नीचे वाले हिस्से का बॉटम के साथ, बॉटम ऑफ कैनाल के साथ जो डिस्टेंस बनेगा वो आपके पास D1 कहलाएगा। इसी तरीके से प्रोसेसिंग ऑफ फील्ड डेटा एंड कैलकुलेशन,
तो फील डेटा ऑफ डिस्चार्ज, तो वेलोसिटी आप इन तमाम तरीकों से मेजर कर लेते हैं जो हमने पढ़ा, करंट मीटर, फ्लोट मीटर, पिटट ट्यूब, और उनकी एवरेज वेलोसिटी हमने किस तरीके से निकालनी है, किस तरीके से करंट मीटर को अपनी डिजायर पोजीशन पे ले जाना है, और करंट मीटर को किन किन फैक्टर, करंट मीटर से हासिल शुदा वेलोसिटी को हमने किन किन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ सके, तो इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से जब आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, तो वेलोसिटी आ जाने के बाद आपने डिस्चार्ज किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो अब हम प्रोसीड कर रहे हैं डिस्चार्ज कैलकुलेशन की तरफ। तो वेलोसिटी वाला टॉपिक क्लियर है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, काइंडली बता दें मुझे। वेलोसिटी वाला टॉपिक क्लियर है या उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जी, बता दें मुझे, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें। क्लियर है सर। ओके जी, उसके बाद प्रोसेसिंग फील्ड डाटा एंड कैलकुलेशन ऑफ डिस्चार्ज, जो आपने फील्ड से डाटा कैलकुलेट किया वेलोसिटी का, उसको किस तरीके से प्रोसेस करके आपने एग्जैक्ट डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी है वो हम देखते हैं। मिड सेक्शन मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग डिस्चार्ज, the following data is required for estimation of discharge by mid section method. Number 1, location of sampling point 1 2 3 and so on, matlab jitne points ke upar aapne khade hoke velocity find out ki, un points ko aapne note kar lena hai. Across the stream in reference to the distance from initial point on one of the banks, say b1 b2 b3 and so on, bn are the distance from the initial points to the observation point 1 2 3 and so on. Stream depth d at each observation point, say d1 d2 d3 dn, represents the depth of water at observation point to the observation point 1 2 3 and so on n. Mean velocity perpendicular to the cross section at each observation point 1 2 3 n. With the above information being known, the partial discharge can be computed for any partial section at location I as Qi is equal to DIVI. So Qi is equal to discharge through the partial section I. Vi kya hai? Mean velocity at location I. Bi kya hai? Distance from initial point to the location I. Or Bi minus one, distance from initial point to the location I minus 1, इसी तरीके से distance from initial point to the location I plus 1, और D1 आपके पास क्या है, depth of water at location I. Mid section method of discharge, the discharge at first section 1 and the last section N are calculated separately. तो पहले section के ऊपर discharge देखते हैं और आखिरी section के ऊपर discharge देखते हैं. The total discharge is equal to Q1 plus Q2, Q3 and Qn. तो इसका numerical जब हम करेंगे तो ये सारा process clear हो जाएगा। Essential requirement for good discharge measurement. तो पीछे वाले ये जो दो स्लाइड आपने पढ़ी है, अगर आपको समझ ना भी आई हो तो कोई इश्यू नहीं है, ये जब न्यूमेरिकल करेंगे ये क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो हम ये देखते हैं कि essential requirement for good discharge क्या क्या होती है, ये आप पढ़ लें एक बार।
तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके पास, कीप द करंट मीटर क्लीन एंड प्रॉपरली ऑइल्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉसेस। आपने करंट मीटर जब यूज करना है तो करंट मीटर को, क्योंकि करंट मीटर जब आप पहली पहली बार यूज कर रहे होंगे नया लेकर, तो लाजमी सी बात है उस वक्त बिल्कुल वो क्लीन होगा, लेकिन करंट मीटर कंटिन्यूसली यूज करने की वजह से उसके जो प्रोपेलर है उनके ऊपर वाटर के अंदर जो मौजूद सिल्ट्स होती हैं वो जमा हो जाती है। तो हर बार जब आप करंट मीटर को यूज कर रहे हो तो करंट मीटर के प्रोपेलर को अच्छी तरह साफ कर लें ताकि एक्यूरेट आंसर आपके पास आ सके। नंबर टू, द स्ट्रीम क्रॉस सेक्शन शुड बी सब डिवाइडेड इनटू द स्मॉल सब सेक्टर्स एज पॉसिबल। तो स्ट्रीम का जो क्रॉस सेक्शन है यानी स्ट्रीम की जो विड्थ है आप उनको डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर चेंज कर लें और हर एक पॉइंट के ऊपर अलग से वेलोसिटी फाइंड आउट करें। तो 15 से 20 सबस्टेशन अमूमी तौर पर जो एक आम मेन कैनाल होती है किसी सिटी की उसको उसके ऊपर 15 से 20 सेक्शन आप बना लेते हैं। इफ दिस रिक्वायरमेंट कॉजेस द वर्टिकल्स टू बी लेस देन 0.1 मीटर, अगर लेट्स सपोज आपने एक साइड से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 करके 15 तक पॉइंट्स बना लिए, अब हर एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ जो वर्टिकल डिस्टेंस है अगर वो 0.15 मीटर या उससे कम हो तब इन पॉइंट्स को आप क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। समझ आई बात नहीं आई? लेट्स सपोज ये आपके पास क्रॉस सेक्शन है जी, ठीक, तो आप क्या करते हैं 0.1 लेट्स सपोज ये जी 0.1 आपके पास और इसी तरीके से ये 0.2 आपके पास, 0.3 आपके पास, ये 0.4 आपके पास। अब ये देखिए 0.1 और 0.2 का जो वर्टिकल डिस्टेंस है आपस में यानी कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस ये काफी ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखें कि 0.3 का 0.4 के साथ जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये बिल्कुल बहुत कम ही है, मामूली सा है, तो ये अगर दो पॉइंट्स के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये 0.15 मीटर से कम आ जाए तो आप क्या करते हैं पॉइंट्स को रिड्यूस कर देते हैं। यानी पॉइंट अगर इसको हम 0.3 कह रहे हैं इसको और इसको हम 0.4 कह रहे हैं तो जो 0.3 की वैल्यू होगी कमोवेश 0.4 की भी वही वैल्यू होगी वेलोसिटी की, तो आप क्या करेंगे 0.3 को बीच में रिड्यूस करके 4 की जगह पर 3 पॉइंट्स ही कंसीडर कर लेंगे। नंबर 3 है यूज द एवरेज ऑफ वेलोसिटीज एट 0.2 एंड 0.8 ऑफ डेप्थ, जिस तरीके से हमने पढ़ा था, व्हेन द डेप्थ इज ग्रेटर देन 0.6 मीटर अदरवाइज टेक अ सिंगल मेजरमेंट एट 0.6 टाइम्स ऑफ डेप्थ। अगर डेप्थ जो है वो 0.6 मीटर हो तब तो सिर्फ एक ही वैल्यू आप ले लें, लेकिन अगर डेप्थ 0.6 मीटर से ज्यादा है तब आप क्या करें लाजमी तौर पर दो वैल्यूज लें, एक 0.2 ऑफ हाइट के ऊपर और दूसरी 0.8 ऑफ हाइट के ऊपर या डेप्थ के ऊपर। नंबर 4, कीपिंग द मीटर क्लीन ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल्स बाय रेजिंग द मीटर आउट ऑफ वाटर टू लेट द डेप्थ इज पास। तो मिसाल के तौर पर जब आप किसी एक जगह की रीडिंग ले लें तो अगर उस पानी के अंदर डेब्रिज काफी सारी हो तो मीटर को दोबारा निकाल के वो उसके अंदर जो डेब्रीज है उसको उसके अंदर जो सिल्ट वगैरह जमा हो चुकी है उसको निकाल लें। दूसरा, अगर आप देख रहे हैं कि वाटर फ्लो करते हुए कोई ऐसी जिस तरह दरख्तों की टहनियाँ लकड़ियों के टुकड़े टाइप कोई चीज़ गुजर रही है तो आप अपने फ्लोट मीटर को बाहर निकाल लें, उन डेब्रीज को गुजर जाने दें, बाद में रीडिंग कर लें। व्हेन यूजिंग द वेडिंग रॉड keep it vertical and keep your feet 0.6 to 0.6 meters down the stream from the water. इस तरीके से जब आप वेडिंग रॉड को यूज कर रहे हो तब आप क्या करें अपने फीट जो है वो 0.45 से लेकर 0.6 मीटर डाउन द स्ट्रीम आप लेकर जाए।
Read and record the river stage from an auxiliary staff gauge periodically during the discharge measurement. If the stage begins to change by greater than 5%, the procedure may be speed up. Number 7, decreasing the sounding time. Number 8, reduce the number of verticals. तो अगर आपके पास टाइम लिमिटेड हो जाए तो आप क्या करें, आप जो पॉइंट्स 15 से 20 कंसीडर कर रहे हैं उन पॉइंट्स को शॉर्ट कर लें और जल्दी जल्दी से अपना काम खत्म कर लें। तो एग्जांपल 1 है जी आपके पास, कंप्यूट द फ्लो ऑफ मेजरमेंट डेटा गिवन बिलो कॉलम्स 1-5 ऑफ टेबल 5.1 बिलो। टेक द मीटर रीडिंग फ्रॉम इक्वेशन V इज इक्वल टू A प्लस B इनटू N with A is equal to 0.03 and B is equal to 0.66. हमने देखा था A और B दो coefficient होते हैं जो कि manufacturer बताता है, current meter जिसने manufacture किया होता है वो आपको बताता है कि A और B की क्या values होती है। और N आपके पास क्या है, N आपके पास है number of revolutions। तो यहाँ पर सारा कुछ given है, distance भी given है, distance from the bank 1 meter, 0.6 meter, 1.2 meter, 1.8 meter, 2.7 meter, 3.3 meter और इसी तरीके से depth भी आपको given है और तीसरा कॉलम आपके पास है meter depth। अब ये meter depth क्या है, mean depth होगी मेरे ख्याल में, factor multiply करने के बाद जो आपके पास depth आई होगी ये वही है। बल्कि ये दो जो मिसिंग वैल्यू हैं इनके मिसिंग वैल्यू के दरमियान जो डेप्थ है वही यहाँ पर नॉट है। और तीसरा आपके पास रेवोल्यूशंस है और पांचवा कॉलम आपके पास टाइम का है कि 50 सेकंड के अंदर 10 रेवोल्यूशंस, मिसाल के तौर पर यहाँ 50 सेकंड्स हैं, यहाँ पर कितने रेवोल्यूशंस हुई 50 सेकंड्स के अंदर, 10 रेवोल्यूशन 0.18 मीटर हाइट के ऊपर, मीटर डेप्थ के ऊपर। और अब ये मीटर डेप्थ और डेप्थ गिवन है आपको और उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द बैंक। चलें आगे चलते हैं। V is equal to AB into N. V is in meter per second and N is revolution per second. Using the following calculation to column 6-11 from the table 5.1 below are made. Find the discharge using the midsection. सर जी बस कर दें, अब काफी नहीं हो गया आज का लेक्चर? दो लेक्चर है मेरे भाई आपके। सर लेक्चर तो दो ही हैं लेकिन बुक तो सर एक ही पढ़ रहे हैं। चले दूसरी बुक फिर पढ़ लेते हैं। सर वो उसके तो लेक्चर ही कंप्लीट हो गया अब इस... उसके अंदर लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन उसके न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए थे। जो आपने स्लाइडें सेंड की थी उनमें जो न्यूमेरिकल है वो सर उसमें कुछ कुछ सॉल्व किए हैं। कुछ कुछ सॉल्व किए हैं? सारे सॉल्व किए हैं? नहीं सर कुछ कुछ ही किए हैं मैंने, तो बाकी का बताऊंगा। सही हो गया, तो चलें इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ देते हैं। ये टॉपिक काफी पढ़ लिया क्योंकि टाइम हमने पूरा ही करना है। 3 घंटे हो गए हम पढ़ रहे हैं सर, सर थोड़ी ब्रेक ही दे दें। पढ़ कर रहे हैं मैं, आप तो सुन रहे हैं सिर्फ, मैं पढ़ा तो मैं रहा हूँ जी। वही तो सर कह रहे हैं कि मतलब तो सर इतना ज्यादा सिलेबस बाद में सर इनकी भी तैयारी भी करनी है, पेपर भी तो लेना ही है ना सर आपने। नहीं तैयारी तो खैर आप अभी से शुरू नहीं करेंगे ना, तैयारी तो रहने दें आप अभी। अगर आप फ्री भी हो जाते आपने कब जाकर तैयारी करनी है जी, आपने तो तैयारी अपने टाइम पे जाकर करनी है एक रात पहले। और वैसे नहीं, नहीं, 11 से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। नहीं 11 से पेपर आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो 11 से होगा, बाकी तो पेपर 11 से नहीं होंगे क्योंकि आज आपका लेक्चर है छठा लेक्चर, ठीक हो गया जी। तो सातवां लेक्चर आपका होना है जो कि 10 तारीख को होगा तकरीबन, तो पेपर के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। तो बाकी चले इसको छोड़ के कोई दूसरी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सर नमाज भी करनी है, नाश्ता भी करना है, मेरा मन नहीं करता है। सलमान साहब, सर क्या कह रहे हैं आप? सर नाश्ता भी करना है, नमाज भी पढ़नी है सर जी, मेहरबानी करते हैं। आपका लेक्चर मेरे भाई 11 बजे स्टार्ट हुआ है
और आप क्लास जी में सर में साढ़े बात तो सुन ले, आप मेरा ख्याल में क्लास में 11:30 के बाद आए हैं, तो मतलब सर 11:35 से है मेरे भाई, मेरी बात सुनेंगे आप? जी सर। हाँ जी, तो 11:30 के बाद आप लोग आ रहे हैं और 11:30 तक आप लोगों ने मतलब अभी तक नाश्ता नहीं किया था। सर नहीं किया था ना आज, आज आज तो मेहरबान नहीं करते सर, आप ही ऐसा जो इतनी एंड तक पढ़ाते हैं, दूसरे टीचर तो घंटा 1 घंटा 45 मिनट 1 घंटा 30 मिनट पढ़ा के चलो जी। तो 1 घंटा मेरा भी तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट ही बन रहा है ना, आप 11:35 पे आए हैं तो 1 बजे बन रहा है, तो पहला लेक्चर तो हमारा 1 घंटा 25 मिनट का हुआ, बल्कि दूसरों से भी कम हुआ। तो अभी दूसरा लेक्चर जो है वो 1 घंटा 17 मिनट का हुआ है, तो अभी ये भी 1.5 घंटे तो प्यार पहुंचा सर, आज तो प्यार मोहब्बत कर प्लीज। नहीं जी, वेट करें आप, हम ऐसा करते हैं कि इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं, तो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स जो है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसको रिवीजन कुछ चैप्टर की हो गई थी और कुछ चैप्टर की बाकी थी, उनकी रिवीजन को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है सर। ये एक्सेल शीट पे किस किसने काम किया था? आप में से सिर्फ अली अहमद की असाइनमेंट आती है या शफकतुल्ला की आती है, बाकी आप लोग कोई भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा रहे? जी सर, दो जो न्यूमेरिकल सर आपने दिए थे ना एक्सेल पे सर, वो सॉल्व करने वाले सर, वो मैंने किए थे सॉल्व एक्सेल शीट पे सर, वो जो आपने समझाया था ना सर, जैसे लेक्चर के दौरान के वो फार्मूला सर, उसकी वैल्यू कैसे पुट करना सर, वो सारा कुछ करके आपको सेंड भी की थी असाइनमेंट सर। जी, अली अहमद आपने किया था और शफकतुल्ला ने किया था, बाकी दूसरों ने किसी से नहीं, किसी ने नहीं किया था। तो लेक्चर को रिवाइज करके देखा था आपने? कौन सा लेक्चर था जी? लेक्चर को आपने रिवाइज करके देखा था, ये जो रिवीजन हमने करनी थी इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के? जी सर, स्लाइडें सर सेंड की हैं, उनमें से चेक किए थे सर। तो दो स्लाइड्स तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली थी। जी सर, दो स्लाइड होगी। तो कॉस्ट एस्टिमेशन भी हमने पढ़ी थी। अच्छा जी, आपका पेपर जो है इसका इंजीनियरिंग कैंपस का ये ओपन बुक पेपर होगा, तो इसके अंदर ना आप ये चीज़ अच्छी तरह समझ लें कि इसके अंदर आधी थ्योरी होगी और इसके अंदर आधे जो होंगे वो न्यूमेरिकल होंगे। तो थ्योरी के लिए ये जो चैप्टर नंबर, ये अभी आपके पास मॉड्यूल नंबर 5 है, इसके तकरीबन 15-16 पेजेस हैं और दूसरे के आपके पास तकरीबन 30-32 पेजेस हैं, उनमें से पढ़े हमने कम ही है। तो थ्योरी के लिए आपने इनको देख लेना है, थ्योरी की जो डेफिनेशंस पूछी गई होंगी इन्हीं में से ही होंगी, और जो चीज़ आपने क्लास में पढ़ी है उसके रिलेटेड आपको ओपन बुक पेपर दिया जाएगा। तो लाजमी नहीं है कि वो वर्ड टू वर्ड आपकी स्लाइड्स के अंदर मौजूद हो, इसी तरीके से जो न्यूमेरिकल यहाँ पर मौजूद है उसी तर्ज के न्यूमेरिकल होंगे, लाजमी नहीं है कि स्टेटमेंट वही हो, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल उसी तर्ज के हो सकते हैं। तो आपने न्यूमेरिकल को खास तौर पर, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल और इसके फार्मूले जो है
वो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म के फार्मूले हैं, आपने उनको अच्छे तरीके से पढ़ के तैयार कर लेना है। आपने आखिरी रात के ऊपर या आखिरी टाइम के ऊपर नहीं छोड़ना कि जब ओपन बुक पेपर आएगा तो 6 घंटे होंगे, तो 6 घंटे के दौरान हम कर लेंगे। पिछली बार भी आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत ही बुरा हुआ था, जो मिड टर्म थी आपके, तो आखिरी सेमेस्टर आपका चल रहा है, आप कोशिश करें। सर ये सारे पीडीएफ में सेंड करते हैं, कुछ हैं लेक्चर जो पीडीएफ में नहीं है? सारे लेक्चर हैं आपके पास इधर क्लासरूम के अंदर? सर एक दो लेक्चर है वो पीडीएफ में नहीं है, वो वैसे उसकी वीडियो पढ़ी है, रिकॉर्डिंग पढ़ी है। नहीं नहीं उसकी रिकॉर्डिंग में है सर। जी सर वो कह रहा है पीडीएफ। जी जी मैं आपको बताता हूँ ना, आप सुन लें, जो लेक्चर रिकॉर्डिंग में है जिनकी पीडीएफ नहीं है उनकी पीडीएफ प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपलोड हो चुकी है। अब हुआ यूं है कि एक बास पीडीएफ मिसाल के तौर पर जिसके अंदर 60 स्लाइड्स थी, तो एक लेक्चर के अंदर हम 40 स्लाइड पढ़ सके थे, दूसरे लेक्चर के अंदर अगली वाली जो हमने 20 स्लाइड्स पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी उन्हीं प्रीवियस से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेक्चर सारे पढ़े हुए हैं। ये असाइनमेंट्स जो रहते हैं वो कहाँ पे सेंड करें, आपको ईमेल करें? कुछ असाइनमेंट सारे हाइड्रोलॉजी के रहते हैं, इकोनॉमिक्स की भी सर दो रहती हैं, हाइड्रोलॉजी की भी सर दो तीन रहती हैं असाइनमेंट जमा करवाने वाली, वो फर्स्ट वाली दो को रहती हैं बस, वो जो ज्वाइनिंग का मसला था बस वो इसलिए वो रह गई थी, बाकी सर सारी कंप्लीट है। वो आपको मेल कर देंगे सर, इस जो इस वीक की असाइनमेंट होगी उसके साथ अटैच करके वो भी सेंड कर दें आपको, इस हफ्ते की जो असाइनमेंट है उसके साथ आप अटैच करके मुझे सेंड कर दें, ठीक होगा सर? वो भी इस हफ्ते के साथ अटैच कर देंगे। तो आपको जो गिवन डाटा है ये आपने सारा पढ़ना है, अभी मीटिंग का टाइम एंड होने लगा है, मैं दोबारा आपको लिंक सेंड करता हूँ, बाकी डिस्कशन जो